नमस्कार, स्वागत है आपका बुद्धि लीडर पर। मैं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से खबर, जहां एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश शासन इस हादसे को लेकर पूरी तरह से संजीदा है। सीएम के निर्देश के बाद वन राज्य मंत्री प्रदेश के आला वन अधिकारियों के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। उस घटनास्थल का निरीक्षण किया है जहाँ उन 10 हाथियों को दफनाया गया है। उस जगह का भी निरीक्षण किया गया है जहाँ पर इन हाथियों को कथित तौर पर कोदो की फसल खाने से एक के बाद एक 10 हाथियों की अब तक मौत हो चुकी है। ये बड़ा मामला है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर कई दल भेजे हैं, अलग अलग जांच रिपोर्ट देने की बात कही है। वन राज्य मंत्री भी आज पहुंचे हैं वहां। उन्होंने भी घटनास्थल का तमाम आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। जाँच रिपोर्ट वो सीएम को सौंपेंगे। पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार है और उसके बाद ही इन हाथियों की मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। बताया जा रहा है कि किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव किया था एक फसल पर और उस फसल को खाने के बाद पहले 4 हाथी मृत हुए थे, बाकी हाथी बीमार हुए और लगातार उनका उपचार भी किया गया डॉक्टर की टीम के द्वारा, लेकिन एक के बाद एक 6 और हाथी मर गए। तो अब तक कुल 10 हाथियों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। सर, आज आपका वन सर कल आपातकालीन बैठक हुई थी और सर क्या देखा आपने, क्या समझा? देखिए, आपको पता है 29 तारीख से घटना हाथियों की मरने की मिली है। जब से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ था आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, तो टीम भी गठित हुई थी, उसकी जांच चल रही थी। लगातार 29, 30, 31 ऐसी जानकारी मिली कि 10 हाथी मृत पाए गए हैं। आपने भी देखा है कि जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आज कलम रात्रि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे ACS वगैरह पूरे अधिकारी के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ, उसको देख रहा हूँ किस प्रकार से कैसे क्या है, और जांच रिपोर्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष रखेंगे। जो भी उसमें पहलू पे बात होगी बताएंगे सब लोगों को। संभावना क्या है, मतलब इन 10 हाथी की मौत? देखिए, संभावना ऐसी है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गई है, 3-4 दिन के बाद जो आएगा वो सब आप लोगों की जानकारी में होगा। निश्चित रूप से हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। क्या कदम उठाया? देखिए, कदम है आज आए इसी के लिए। मुख्यमंत्री भी बिल्कुल सख्त तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं, अधिकारियों को भी दिया है और हम लोगों ने भी कहा है निश्चित रूप से एक एक पहलू पर जांच की जाएगी। यह 10 हाथियों की मौत है, बड़ा सवाल है। फिलहाल वन राज्य मंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उस एरिया का निरीक्षण किया है, तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने मौके का निरीक्षण किया है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा बुंदेली दर्पण के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे अनिराजन सिंह को इजाजत। नमस्कार।